पिछले दो दशक में पूरी दुनिया में गैर संक्रामक बीमारियां चुनौती बनकर सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष कैंसर 2030 तक पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस चुनौती से निपटने के लिए टास्क फोर्स तैयार करी है। इसके लिए गैर सरकारी कैंसर अस्पतालों को भी वित्तीय मदद उपलब्ध कराया जा रहा है। नागपुर स्थित चैरिटेबल कैंसर अस्पताल, राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर सेंटर व रिसर्च सेंटर को भी अपग्रेड करने और आवश्यक के संसाधन जुटाने के लिए 55 करोड़ की मदद मिली है। वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, तो हम तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में भी ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाएंगे। उस दिन हम यहाँ पे एक ह्यूमन चेन और रैली के आयोजन करते हैं, जिसमें यहाँ के डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स भाग लेते हैं और नागपुर शहर के 12-15 जो संस्थाएं हैं, जैसे IMA, क्लब्स, ये सभी हमें सहयोग देते हैं। वो एक कार्यक्रम है और स्टूडेंट्स लोगों से के द्वारा आयोजित पेंटिंग और रंगोली कंपटीशन होता है और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। ये वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य पब्लिक को कैंसर के विषय में जागरूक करना रहता है। कैंसर जो कि बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में और हमारे देश में और इस प्रदेश के इस प्रांत में भी बढ़ रही है, इसके बारे में जानकारी देना, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है, सुविधाएं कहाँ पे उपलब्ध हैं और मरीज कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि हानिकारक है, ये सब विषय पर चर्चा होती है। इस पर उन्हें उपदेश दिया जाता है। WHO नॉन कम्युनिकेबल केबल डिसीजेस को लेकर काफ़ी गंभीर है और कैंसर से जो डेथ हो रही है उसको लेकर काफ़ी मंथन भी चल रहा है। नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं। जैसे अभी सुना आपने सर ने प्रोटॉन थेरेपी के बारे में बताया, तो ऐसे कई नई चीज़ें आ रही हैं। राजस्थान तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल बींग अ टर्शियरी कैंसर केयर इंस्टीट्यूट, हमारा भी काफ़ी एक्सपांशन हो रहा है। हम विभिन्न प्रकार के कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर दासगुप्ता सर का एक ये था कि नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए चीज़ें जो गवर्नमेंट भी कर रही है, इनको लेकर एक ओरेशन की सीरीज स्टार्ट की जाए। और वो डिस्कशन उन्होंने डॉक्टर वी के शर्मा छंगानी, जो मेरे बड़े भाई हैं, और हमसे किया। तो छंगानी परिवार ने एक निर्णय लिया कि हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं टू स्टार्ट अ ओरेशन जो यहाँ के डॉक्टर्स के लिए यूज़फुल हो। तो इन कंसल्टेशन विद आर डायरेक्टर डॉक्टर सुब्रजीत दासगुप्ता सर, वी डिसाइडेड कि हम इस ओरेशन की शुरुआत करेंगे। ये पहला पुष्प है, ये इनॉग्रल ओरेशन है, जिसको वर्ल्ड रिनाउंड रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जी के रस साहब एड्रेस करने वाले हैं, जो कि अभी हेड हैं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली के, और गवर्नमेंट की जितनी भी कैंसर रिलेटेड स्कीम है उसके वो चीफ एडवाइज़र हैं। तो वो इसको एड्रेस करने वाले हैं कि अभी गवर्नमेंट कैंसर कंट्रोल के लिए क्या क्या वर्कआउट कर रही है, इस पर वो गाइडेंस देने वाले हैं डॉक्टर्स को। 2 तारीख को ये हो रहा है, साथ ही 2 तारीख को एक CME भी आयोजित है उसी के इमीडिएटली पश्चात, जिसमें रिसेंट एडवांसेस सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, अदर कैंसर को लेकर जो भी हैं उनमें डिफरेंट लोग उसका एड्रेस करेंगे। तो जो ओरेशन है उसके चेयरपर्सन नागपुर के 3 बहुत रिनाउंड फिजिशियंस हैं, एक डॉक्टर BJ सुबेदार सर हैं, एक डॉक्टर आनंद पाठक सर हैं और एक डॉक्टर अजय मेहता हैं। और उसको उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री गिरीश जी गांधी हैं, जो वनराई के अध्यक्ष हैं। ऐसा ही एक पूरा एक दिन का कार्यक्रम है। राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल, जो एक टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर है, उस उपलक्ष्य में हम लोग हर साल अलग अलग विषयों पर कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम यानी CME ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो डॉक्टर फेटर्निटी है वो होने वाले या जो रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहे। इसी उपलक्ष में या इसी को समझते हुए 9 फरवरी को लंग कैंसर पे एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको नाम दिया गया है अपडेट ऑन लंग कैंसर। इसमें लंग कैंसर के स्टेजिंग, लंग कैंसर के लिए अभी उपलक्ष्य हुए और अवेलेबल हुए नए उपकरण, जिसके वजह से निदान करना जल्दी संभव हुआ है,
जिसको ईबस कहते हैं उसके बारे में, और अभी जो नई कुछ दवाइयाँ आई है उसके बारे में, और ऑपरेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं यानी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव हुए है, इस ये चार पांच टॉपिक पे नागपुर के प्रख्यात फिजिशियन और सर्जन लोग चर्चा करेंगे। और उद्देश्य यही है कि जो टेक्नोलॉजी अभी आई है उससे हम समझें, और जो दवाइयाँ नई अवेलेबल है वो लोगों तक पहुँचें, और जो ऑपरेशन दूरबीन द्वारा संभव है उसके बारे में भी मंथन हो। इसमें 45 करोड़ केंद्र से और 10 करोड़ की मदद राज्य सरकार से मिली है। नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के 3 और गैर सरकारी अस्पतालों को मदद प्रदान की गई है। इनमें औरंगाबाद के स्टेट कैंसर हॉस्पिटल, लातूर स्थित क्षेत्रीय कैंसर सेंटर और मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल शामिल है। यह जानकारी आईएसटी के निदेशक डॉक्टर सुब्रजीत दास गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर सेंटर की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।